ईश्वर में कैसा संबंध है इत्यादि दिखाने के लिए, कैसा जीव बना इसके लिए बिंब प्रतिबिंब न्याय ले रहा है। बिंबानां च प्रतिबिंबानां च मिथो भेर दीवत, प्रतिबिंब वास्तव प्रतिबिंब परस्पर जो है भिन्न होता है, वास्तव में प्रतिबिंब बिंब ही होता है किंतु प्रतिबिंब में परस्पर भेद होता है। जैसा अनेक घड़ों में रखा हुआ पानी है, पानी में प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्य का, तो अनेक सूर्य प्रतीत होता है और एक एक घड़े का सूर्य परस्पर भिन्न भी होता है, अन्योन्य भेद भी रहता है। तो प्रतिबिंबानां मिथः परस्पर भेद अधिवत, भेद बुद्धि के समान जीव ब्रह्मणोर जीवानां च भेद अधियः, जीव और ब्रह्म और जीवों का भी भेद है, ये सारा भेद है। जीव और ब्रह्म का भेद मानते हैं, जीव और ईश्वर का भी भेद मानते हैं और परस्पर जीव का भी भेद होता है। इस प्रकार का भेद सारा सिद्ध हो रहा है, व्यवहार में है ये सारा भेद, शास्त्र भी उसके बारे में कहता है। तो सोबाधिक ब्रह्म से दृष्टान्त मांग, एक सब क्यों हुआ ये भेद बुद्धि, सोबाधिक ब्रह्म के कारण हुआ। उपाधि सहित जो अध्यास है उसको सोबाधि कहते हैं, तो सोबाधिक ब्रह्म का यह दृष्टान्त है। एक चंद्र सद्वितीय, चंद्रमा एक है, परमात्मा एक है किंतु अनेक चंद्र दिखाई पड़ता है, उसके लिए कारण क्या है? जैसा प्रतिबिंब न्याय ले तो अनेक पानी में दिखाई पड़ने जैसा है, और नहीं तो दोष आदि को उपाधि मानेंगे तो वहां चक्षु में दोष है, चक्षु में तीव्र रोग हो गया, ऐसा रोग हो गया, कोई विशेष स्थिति में वो दोष के कारण अनेक दिख रहा है, वो दोष उपाधि होता है। इसीलिए सद्वितीय द्वितीय जैसा वहां दिखाई पड़ेगा। तो परस्पर जीव में भी भेद कोई दोष के कारण है, उपाधि के कारण है। ईश्वर और जीव में भी भेद उपाधि भेद से होता है, ऐसा वहां अध्यास होता है, इसी को यहां दूसरे दृष्टांत से कहा। एकत्व ग्रहो वग्रहश्च पूर्ववत, यहां जो एकश्चंद्र सद्वितीय वद इत्यादि में एकत्व ग्रहण और वत्कार का ग्रहण पहले जैसा है, मैंने पहले जैसा अर्थ किया युक्ति का आगे रजतवत अवभास दे, उसमें जो अर्थ है वही अर्थ यहां भी लेना चाहिए। एक ही सुक्ति का रजत के सब रजत रूप से प्रकट होती है और उसमें वत्कार मिथ्यात्व बोध के लिए। लक्षण प्रकरणम उपसंहर्तुम इति शब्दः, अब सद्वितीय वद इति कहा, इति कहने से क्या तात्पर्य है कि अभी तक अध्यास का लक्षण का विचार चल रहा है। आहा कोयम अध्यासो नाम इति उच्यते स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्ट अवभासः तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति इत्यादि करके विचार किया। तो इसका जो लक्षण और प्रकरण दोनों को यहां उपसंहार किया, तो अभी अध्यास का लक्षण हो गया और वो अध्यास के संबंध में विचार का प्रकरण पूरा हो गया, इसका उपसंहार हो गया, इतना दिखाने के लिए ये हो गया, मतलब आगे और विचार आरंभ हो जाए। इसके पहले हम दृष्टांत जैसे फर्स्ट दृष्टांत शुक्ति का ही रजतवत अवभास, अभी हम इसके बारे में ये जो जितने अध्यास है ना है, उन अध्यासों को सब समझेंगे, एक एक अध्यास अभी तक जितना अध्यास आया ना, शुक्ति उपाधि नहीं निरुपाधिक है, उसमें उपाधि नहीं होता, शुक्ति निरुपाधिक है, अभी बताएंगे निरुपाधिक क्या है। और सद्वितीय चंद्र वो सोपाधिक अध्यास, शुक्ति को रजत समझने के लिए कोई उपाधि नहीं चाहिए, इसलिए अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है। और जो सोपाधि की ज्ञान होता है वो अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, अधिष्ठान ज्ञान होने पर भी वो रहता है, जब उपाधि निवृत्त होगी तभी वो निवृत्त होता है। इस प्रकार दोनों में भेद है, बहुत सारे भेद है, अभी आपको बताएंगे अध्यास में कितने सारे भेद हैं और बहुत इसमें सूक्ष्म विचार किया है, माने ये कोई अंश इसमें छोड़ा नहीं, यदि इसको ठीक से आप समझेंगे तो आपका अध्यास निवृत्त हो जाएगा। हाँ।
जी अभी शुक्ति में जैसे लिखता है मैंने हमारे बड़ा शुक्ति है हाँ तो भी हमको रजत का और ग्रह देखता है नहीं रजत नहीं दिखाई पड़ता रजत नहीं तो भी वो शाइनिंग दिखता है शाइनिंग दिखाई पड़ता है शाइनिंग तो और भी किसी चीजों में भी दिखाई पड़ता है शाइनिंग दिखाई पड़ने मात्र से उसको रजत नहीं मानते हैं वो रजत बुद्धि समाप्त हो जाती है अब वो शाइनिंग वहां दिखाई पड़ेगा वो बात अलग है किंतु उसको रजत मान के फिर नहीं व्यवहार होगा वो अधिष्ठान का ज्ञान होने पर रजत की निवृत्ति हो जाती है जैसे रति का ज्ञान हो गया तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है किंतु यहां ऐसा नहीं होता है सोपाधिक ज्ञान में सोपाधिक अभ्यास में अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी अधिष्ठान का पक्का ज्ञान है तब भी वो दो दिखाई पड़ेगा या जो भी दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता रहेगा कब तक जब तक उपाधि की निवृत्ति नहीं होती तब तक दिखाई पड़ेगा इसीलिए ज्ञान होने के बाद भी बाकी जीव भेद आदि के व्यवहार में होता है वो सब व्यवहार ऐसे ही ज्ञानी का बना रहेगा क्योंकि सोपाधि अभ्यास में आता है और आत्मा में जो अनात्मा अभ्यास है ये निर्वाधिक है निर्वाधिक होने से अनात्म भाव आत्मा में आत्मा का अनात्मत्व नहीं होगा आत्मा में आत्मभाव रहेगा वो निर्वाधिक होने के कारण उसके कोई उपाधि निवृत्त हो जाती है बाकी जो उपाधि से हो रहा है अंतकरण से लेकर जो जो अध्यास हुआ है वो सारा बना रहे जब तक उपाधि की निवृत्ति नहीं होगी तब तक बना रहे इसलिए वो व्यवस्था पक्की हो जाती है तो उसमें प्रारब्ध से शरीर भी रह जाता है और ज्ञानी की ज्ञानावस्था भी रह जाता है क्योंकि मूल अज्ञान की निवृत्ति ही मुख्य अज्ञान निवृत्ति है उससे मोक्ष हो जाता है फिर जीवन मुक्ति की स्थिति आ जाती है वो निर्वाधिक है क्योंकि वो नहीं जानता है इतना ही अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है इसके कारण आपको अज्ञान हो गया इसके कारण अध्यास हो गया अब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है उसके बाद आत्मा को ही आप आत्मा मानेंगे अनात्मा को आत्मा नहीं मानेंगे तो ज्ञान ऐसा मानता है ये भेद नहीं जानने से फिर वो आगे कंफ्यूजन हो जाए इसलिए दो दृष्टांत दिया इसका भेद जानने के लिए इसके विषय में अन्य ग्रंथों में सब अलग अलग बताया है उसको आपको सुनाएंगे कौन कौन अभ्यास क्या क्या हाँ वो उनके अपनी व्याख्या जो भी है वो इधर अध्यास के लिए नहीं है यहाँ ये इसमें वो अधिष्ठान को लेकर बोल रहे हैं उनकी दृष्टि से अधिष्ठान के लेकर के नहीं है अधिष्ठान के लेकर के पहले वाला अध्यास हाँ सोपाधिक निरुपाधिक ये वो नहीं जानते हैं उनकी वो ये भाषा नहीं जानते वो इसलिए वो अपने ढंग से बोलते आत्मा में अनात्मा का अध्यास अनात्मा में आत्मा का अध्यास का वो उस ढंग से भी कह सकते हैं ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते क्योंकि एक में अनेकत्व कर रहा है तो एक आत्मा है अनेकत्व वहां किया ऐसा बोल सकते वो आगे बता रहे हैं अभी यहाँ वो उसके विचार नहीं किया भाष्यकर आगे जाकर के अभी केवल अध्यास का ही विचार किया है आगे जाकर विचार करेंगे वो जो भी जैसा बताते हैं अलग अलग विचार है बहुत विस्तार है इसका तो अध्यास में एक एक अध्यास का पहले अर्थाध्यास नाम से एक अध्यास है अर्थाध्यास क्या है जो वस्तु जैसा नहीं है यानी जो नहीं है उसको वैसा मानना यह है अर्थाध्यास जैसा रसी सर्प नहीं है रसी को सर्प मानना मतलब अर्थ का संबंध हो गया सुप्ति में रजत इत्यादि ठीक है और उसके बाद जो है ज्ञानाध्यास जिसके बारे में पहले भी बताया था कि जिसमें जिसका ज्ञान नहीं हो सकता उसमें उसका ज्ञान हो जाना सीपी में रजत का ज्ञान नहीं हो सकता है सामान्य रूप से सीपी में रजत को किसी का ऐसा ज्ञान होता है किंतु सीपी में रजत का ज्ञान हो रहा है ठीक है तो एक तो अर्थाध्यास दूसरा ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास में क्या है उस वस्तु को दूसरे वस्तु मानना ज्ञानाध्यास में उस ज्ञान को दूसरा ज्ञान मानना उस जहां ज्ञान नहीं हो सकता वहां वो ऐसा ज्ञान मान लेना ये तो सामान्य है स्पष्ट है इसके बाद एक और अध्यास का नाम आगे आएगा प्रत्येक अध्यास दो प्रकार का अध्यास और होता है प्रत्येक अध्यास पराध्यास पराग अध्यास प्रत्येक अध्यास पराग अध्यास
प्रत्यक का अर्थ होता है आंतरिक, सबसे आंतरिक अध्यास, वो अहंकार को प्रत्येक आत्मा में चैतन्य रूप से अध्यास करने को प्रत्येक अध्यास कहते। अहंकार का प्रत्येक आत्मा में चैतन्य रूप से अध्यास, इसको अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द से पहले कहा था, उष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचर में दो कहा था, उसमें जो अस्मत् प्रत्यय गोचर है ये प्रत्येक अध्यास है, और युष्मत प्रत्यय गोचर वाला जो अध्यास है वो पराग अध्यास उसको कहते हैं, यानी बाहर का है। बाहर कहते समय अहंकार से लेके बाहर समझना यहां, क्योंकि यहां लक्षणा से चिदात्मा को ले रहे हैं और वाच्य अर्थ से क्षेत्रज्ञ को ले रहे हैं, यानी अहंकार को ले रहे हैं, दोनों ही ले रहा, इसलिए पराग अध्यास। तो प्रत्येक आत्मा का अंधकरण आदि में और बाह्य जो पुत्र भार्य आदि में, गृह आदि में, इंद्रियादि में, सब में अध्यास पराग अध्यास है, आत्मा को छोड़कर के जितने भी अध्यास सारे पराग अध्यास। उसके बाद में तो चार हो गया, ये पांचवा है स्वरूप अध्यास अथवा तादात्म्य अध्यास। स्वरूप अध्यास तादात्म्य अध्यास दोनों शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए दोनों शब्द देखना, वो एक ही है दोनों, वो अहम इदम, ये जो अध्यास है अहम इदम मम इदम, ये कहा भाष्यकार ने, अहम इदम ये जो अध्यास है ये स्वरूप अध्यास है, यानी अहम मनुष्य, ऐसा हम मानते हैं अपने स्वरूप को मनुष्य मान रहे, मैं कौन हूं, मैं मनुष्य हूं, यह अध्यास हो गया ना। तो यहां आत्मा का स्वरूप पूरा मनुष्यत्व में आ गया, उससे अतिरिक्त नहीं है, ऐसा पूरा मान रहा है, इसको कहते स्वरूप अध्यास, उसमें वस्तु ऐसा ही हो जाती है। और उसका माने छठवां अध्यास है संसर्ग अध्यास अथवा संबंध अध्यास। संसर्ग अध्यास, संसर्ग माने संबंध होता है, इसलिए संसर्ग अध्यास संबंध अध्यास दो कहते हैं। ये मम इदम ऐसा जो अध्यास है इसको संबंध अध्यास कहते हैं। ममा मेरा, मेरा करके जब कहते हैं तो पहले स्वरूप अध्यास होता है, उसके बाद में संबंध अध्यास होता है, संबंध अध्यास स्वरूप अध्यास के बाद होता है, क्योंकि अहम करके अभिमान करने के बाद उस शरीर के साथ, उस जाति पादी के साथ अपना संबंधी को बाहर मान करके मम इदम ऐसा संबंध करता है, बाहर बाहर संबंध करेगा, पहले अहंकार में अध्यास करके बाकी सबका उसके साथ संबंध करेगा, इसलिए मम इदम करके जो अध्यास है, मम देहा मम पुत्र आदि इत्यादि अध्यास है, वो संसर्ग अध्यास है। ये अध्यास धर्म अध्यास काल में होता है। संसर्ग अध्यास कब होता है कि धर्मी का जब अध्यास करते हैं तब होता है, धर्मी अध्यास करने के बाद ये अध्यास आएगा। उसके बाद है धर्म अध्यास। धर्म अध्यास है जैसे जिसके साथ आपने संबंध किया, जैसा मनुष्यत्व संबंध किया मनुष्य शरीर के साथ और उसमें स्वरूप अध्यास किया, उसके बाद क्या है उसमें जो जो धर्म है शरीर में, जो जो धर्म है कृशत्व, हाँ वो जो भी धर्म है उसको अपने में आरोप करना, स्थूलत्व कृशत्व इत्यादि का धर्मों का अध्यास कर, ये भी आगे भाष्यकार बताएंगे, स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि, इसको धर्माध्यास नाम से कहेंगे। इसमें अंतर है दोनों में, क्योंकि मनुष्य मान करके करना स्वरूपाध्यास होता है, फिर उसके बाद तत्संबंधी धर्मों को अपना मानना धर्माध्यास होता है। उसके बाद धर्मी अध्यास, ये आठवां है धर्मी अध्यास। शुक्ति में रजत, ये धर्मी का अभ्यास हुआ, शुक्ति एक धर्मी है क्योंकि उसमें अनेक धर्म रहता है, शुक्ति में उसका धर्म है, चाकचक्य धर्म है, उसका आकार भी एक धर्म है, अलग अलग धर्म रहता है, ऐसे शुक्ति में रजत जो धर्मी है उसको अध्यास किया। धर्म वाले को धर्मी कहते है ना, तो धर्म का, धर्मी का अध्यास होने के बाद संबंध अध्यास होता है, उसके बाद धर्म का अध्यास होता है,
धर्मी का अध्यास, फिर संबंधाध्यास, संसर्ग का अध्यास और धर्माध्यास, ऐसा रहेगा। जैसे साक्षिणी अंतकरणस्य, साक्षी धर्मी है क्योंकि साक्षी कूढ़स्थादि स्वरूप वाला है, बिल्कुल अलग धर्मी है, अलग धर्म रखने वाला है। उसमें अंतकरण धर्मों का अध्यास किया, अंतकरण के जो उत्पत्ति नाश आदि चंचल तत्व आदि सारे का अध्यास किया, अहम हम सारे उसमें आ जाता है, वो सारे उसी ने किया, ये सारे उसका धर्म नहीं है। साक्षी का धर्म और कुछ है, शास्त्र कहता है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये उसका धर्म है। किंतु ये अंतकरण धर्मों का वहां जोड़ दिया, इसलिए वहां हो गया धर्मी अध्यास। फिर संस्कार अध्यास, ये नौवां अध्यास है, संस्कार अध्यास। पूर्व पूर्व बुद्धि का उत्तर उत्तर बुद्धि में अध्यास करना, पहले पहले एक जो हुआ उसके आवृत्ति से दूसरे दूसरे में उसको जोड़ते जाता है। यानी पहले आपको एक भ्रम हुआ, देहादि अभिमान अहंकार आदि अभिमान कोई भी भ्रम हुआ, वो वैसा ही रहा, जब जब वो मौका आया तत्त्व शरीर में वो भ्रम चलता गया और तत्त्व कार्य करते समय भी उसमें वो भ्रम आ गया। पहले अहंकार में भ्रम करता है, उसके बाद मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं राजा हूं, मैं भिखारी हूं, सब तत्त्व धर्मों का अध्यास होता ही रहता है। वो संस्कार के कारण होता है, पूर्व पूर्व संस्कार उत्तर उत्तर को उत्पन्न करता है। इसीलिए जो अहम करके जो अहंकार हमारा होता है वो अनवरत चलता ही रहता है, क्योंकि जो संस्कार अध्यास इसको बदलने नहीं देता। यदि अभी हम सुषुप्ति में जाते हैं तो अहंकार अप्रत्यक्ष हो जाता है, फिर भी दूसरा उठ करके दूसरे दिन उठ के वही अहंकार वापस आ जाता है, क्योंकि वो अध्यास गया नहीं, अध्यास वही संस्कार रूप में फिर आ जाता है, वो संस्कार फिर नया संस्कार को उत्पन्न करेगा। नहीं तो होना क्या था, सुषुप्ति में ज्ञान होने के बाद में मैं वहां कुछ भी नहीं हूं, ये अहंकार आदि नहीं हूं, ऐसा ज्ञान होता है वहां, तो निरपेक्ष ज्ञान होने से फिर उड़ करके ऐसा अनुभव करना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं करता, पहले वाले को फिर लाता है। ये संस्कार रहने के कारण होगा, ये बड़ा बलवान होता है संस्कार अध्यास। ये प्रवाह रूप से रहेगा, ये पहले कहा प्रवाह रूप से ये अनादि है। अब आ गया सोबाधिक अध्यास, अब जो आ गया निरुपाधिक और सोबाधिक अध्यास। सोबाधिक अध्यास का लक्षण हमारे सर्वदर्शन संग्रह में किया है, उपाधि सन्निधि प्राप्त क्षोभा विद्या विजृंभितम उपाधि अवगमापोह्यम आहु सोपाधिकम भ्रमम। उपाधि के सान्निध्य से प्राप्त होता है और उपाधि में जो जो क्षोभादि है, उपाधि में जो भी विकृति होती है उसी से वो प्रकट हो जाता है। क्षोभ अविद्या विजृंभितम, अविद्या जब विकारित हो जाती है, अविद्या जब कार्य करने लगती है मन विक्षेप रूप में आ जाता है तब ये प्रकट होता है। तो उपाधि सन्निधि प्राप्त क्षोभा विद्या, क्षोभा विद्या माने यहां विक्षिप्त अविद्या, विक्षेप शक्ति जो अविद्या है वो उसी के द्वारा प्रकट होता है। और उपाधि आगम, उपाधि अवगम अपोह्यम, उपाधि के अवगम होने से, उपाधि को हटा देने पर ये हट जाता है, इसको सोपाधिक भ्रम कहते हैं। ये कहां होता है कि उपहित जीवेश्वर भेद, उपाधि से युक्त जीवेश्वर भेद जो है ये सोपाधिक भ्रम है, क्योंकि जीव की उपाधि है, ईश्वर की भी उपाधि है, तो जीव की उपाधि जो अंधकरण आदि और जो भी अविद्या आदि जो भी है वो है, और वहां ईश्वर के लिए माया उपाधि सर्वज्ञत्व आदि है, तो ये जब तक रहेगा तब तक वो अध्यास बना रहेगा। परस्पर भेद, और परस्पर जीवों में भेद होता है, एक जीव दूसरा नहीं है क्योंकि तत्त्व उपाधि के कारण दूसरा है, तत्त्व उपाधि के साथ उसका तादात्म्य होता है, तो एक एक को दूसरे दूसरे नाम से जाना जाता है। ये कब निवृत्त होगा, यावत काल उपाधि रहेगी तावत काल ये रहेगा, ज्ञान होने के बाद भी
उसका कार्य समाप्त नहीं होगा, उपाधि पर्यंत कार्य रहेगा, अध्यास नहीं रहता परंतु कार्य रहेगा, ये इसकी स्थिति रहती है, कार्य दिखाई पड़ता रहेगा। इसलिए उपाधि अवगमादस्य नाश, उपाधि जाने के बाद ही उसका नाश होगा। जैसा दो चंद्रमा दिख रहा है, जब तक आंख में दोष है उस उपाधि के कारण दो चंद्रमा दिखेगा। आपको मालूम हो गया कि एक ही चंद्रमा है दो नहीं है, गलत हो रहा है, तब भी वो दो दिखता ही रहे। और जैसे मरीची का दिखती है, मरुमरीची का जिसको बोलते हैं, वो प्रतिबिंब दिखता है। अब वहां जो है आपको मालूम हो गया रेत है पानी नहीं है, तो भी वो दिखता ही रहे। ज्ञान तो हो गया, ज्ञान होने पर भ्रम तो निवृत्त हो गया किंतु कार्य निवृत्त नहीं हुआ, ऐसा रहता। प्रतिबिंब भी ऐसा है, जल में प्रतिबिंब दिखता है, आपको मालूम हो गया ये प्रतिबिंब सत्य नहीं है, ये प्रतिबिंब है, बिंब ही सत्य है, ये झूठा है, ऐसा मालूम होने पर भी प्रतिबिंब समाप्त होता है क्या? नहीं होता, जब तक कान में दिखता है दिखता ही पड़ता। ये कार्य करते रहे, ज्ञान होने पर भ्रम नहीं होता है, फिर दुख नहीं होता है, किंतु कार्य दिखाई पड़ते रहे किसी न किसी प्रकार से। यह सोपाधिक भ्रम है ना। इसके लिए एकस चंद्र सद्वितीयवद ये दृष्टांत दिया सोपाधिक भ्रम के। अच्छा, ये हो गया दसवां ग्रह, और ग्यारहवां अध्यास है निरुपाधिक अध्यास। निरुपाधिक अध्यास मुख्य अध्यास है, ये देखिए इसका लक्षण भी वहीं कहा है। दोषेण कर्मणा वापी क्षोभिदाज्ञान संभव तत्व विद्या विरोधी च भ्रमोयम निरुपाधिक। दोषेण कर्मणा वापी क्षोभिदाज्ञान संभव, दोष से कोई दोष रहा, अनेक प्रकार के दोष है, कर्मादिफल दोष है, इन सब दोषों से जन्मादि भी दोष है, ऐसे दोषों से क्षोभित अज्ञान संभव, दोष से विकार जो अज्ञान हो गया उस अज्ञान का कार्य है ये निरुपाधि जो अध्यास होता है, अज्ञान का कार्य सीधा है। और कब यह निवृत्त होता है? तत्व विद्या विरोधी च भ्रमोयम निरुपाधि, तत्व विद्या का यह विरोधी होता है, तत्व ज्ञान का विरोधी है, इसलिए जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो यह निवृत्त हो जाएगा। तत्व ज्ञान होने के बाद में फिर वो नहीं दिखाई पड़ता। तो आत्मनि अहंकार अध्यास, आत्मा में अहंकार अध्यास ऐसा जो मुख्य अध्यास है, आत्मा को अहम मानना ये मुख्य अध्यास है, ये निरुपाधिक अध्यास है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ज्ञान जब तत्वमसी आदि वाक्य के द्वारा हो जाता है उसके बाद फिर अहम कर्तृत्व आदि नहीं रहेगा, मतलब आत्मा में नहीं रहेगा, वो अंतकरण में रहता है, क्योंकि अंतकरण में स्वाभाविक है वो, और आत्मा में निरुपाधिक है, ये आगे बताएंगे। वो एक ही चीज दोनों तरफ है, क्योंकि अंधकरण का धर्म लेके हम बैठाया, अब वो अंधकरण में भी है, वहां वो तो रहेगा, अहम अहम बोलता रहेगा अंधकरण को जोड़ करके, किंतु आत्मा को जोड़ के नहीं बोलेगा। अब क्या हो रहा है, आत्मा को जोड़ के हम पहले बोल रहे हैं, बाद में अंधकरण को बाद में लगाता है, ये अलग हो जाएगा। आत्मा को जोड़ के अहम बोल समझना छोड़ दे, किंतु अहंकार का कार्य समाप्त नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो इसके दृष्टि से सोपाधिक है, अहंकार के अंधकरण की दृष्टि से सोपाधिक है, इसलिए वहां वो चलता रहेगा, बुद्धि मन सब काम करता रहेगा, इसे जब तक उसकी प्रवृत्ति है तब तक रहेगा। तत्व विद्या विरोधी, तत्व विद्या विरोधी च, तत्व विद्या का ये विरोधी होता है, क्योंकि उससे वो नष्ट होता है। भ्रमोयम निरुपाधिक, ये भ्रम निरुपाधिक है, और ये कहां होता है कि पूर्व संस्कार आदि से युक्त होकर, ये अनादिकाल का संस्कार है अविद्या का, वो अविद्या का संस्कार से युक्त होकर अनुपहित आत्मा में अहंकर्तृत्व होता है। जो अनुपहित आत्मा है, अनुपहित आत्मा कौन है? जो शुद्ध आत्मा है, जो उपाधि के द्वारा कार्य नहीं कर रहा है, ऐसी आत्मा, इसको हम साक्षी कहते हैं। तो उस आत्मा में, शुद्ध आत्मा में इसका संबंध हो गया है, इसलिए उसको निरुपाधिक भ्रम का, उपाधि के बिना है, उपाधि बाद में आ जाती है। ये रज्जु सर्पादि का दृष्टांत यहां ले सकते हैं, रसी को जानने के बाद फिर सर्प नहीं दिखाई पड़ता,
आप ऋषि को जानने के बाद आप सर्प देखना चाहे तो भी नहीं हो सकता, फिर दिखाई नहीं पड़ सकता क्योंकि वो चला गया, ऐसा चला गया कि जैसे विद्युत भाषा यदेरद विद्युतदो विद्युतदा, ऐसा करके कहा है ना, जैसे विद्युत एक प्रकाश से होकर के एक बार चमकती है तो सब दिखाई देता है, फिर उसके बाद वो चला जाता है, ऐसा ही आम भी होता है। एक बार वो चमक पड़ गया, आत्मा को ज्ञान हो गया, उसके बाद में फिर उस आत्मा को अनात्मा मानना संभव ही नहीं, वो आत्मा को मरने वाला मानना संभव नहीं है, अब चाहे तो भी नहीं हो सकता। जब तक वो ज्ञान नहीं होता तब तक संभव है, किंतु ज्ञान होने के बाद आप फिर लाना चाहे तो नहीं हो सकता। रसी को जानने के बाद सर्प फिर वहां नहीं दिखाई पड़ सकता, कुछ दिन के बाद दिखाई पड़ेगा, वो दूसरा कारण है, क्योंकि वो ये जो निवृत्ति हुआ है ये मूलाज्ञान की निवृत्ति नहीं तूलाज्ञान की निवृत्ति है, इसलिए फिर बार बार दिखाई पड़ सकता है, किंतु उस काल में रसी को जानने के बाद में फिर सर्प को वहां नहीं देख सकते हैं। वो जो हो गया सर्प का डर हो गया वो तो काम करेगा, किंतु फिर सर्प नहीं दिखाई पड़ता, ऐसा ये निर्बाधिक अज्ञान, निर्बाधिक अध्यास में ऐसा होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो एक जगह दिखाई पड़ रहा है, एक जगह दिखाई नहीं पड़ रहा, ये उसके बाद में निर्बाधिक अज्ञान के लिए यहां कहा था आप उसको देख सकते हैं। तो निर्बाधिक अज्ञान में उपाधि नहीं होने से अधिष्ठान के ज्ञान से कार्य हो जाता है, कार्य समाप्त हो जाता है, अधिष्ठान के ज्ञान से कार्य समाप्त हो जाता है, फिर वहां कार्य नहीं रहता। अब ये जो पहले कहा ये अभी कितना हो गया, 11 अध्यास हो गया, उसके बाद और कुछ विकल्प है कि अर्थाध्यास जो पहले कहा है ना, अर्थाध्यास का और कई भेद है। अर्थाध्यास का भेद में पहले वाला है केवल संबंध अध्यास, अर्थाध्यास का और भेद में केवल संबंध अध्यास एक है, वो क्या है कि केवल एक तरफ संबंध को लेता है, जैसे अनात्मा में आत्मा अध्यास होता है, कहां अनात्मा में आत्मा अध्यास, उसमें क्या करता है कि अनात्मा का आत्म तादात्म्य संबंध अध्यास होता है, किंतु आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं होता। केवल संबंध अध्यास माने संबंध का ही अध्यास होता है, स्वरूप का अध्यास नहीं होता, उसको दूसरा नहीं मानता। तो अनात्मा आत्मा अध्यास में जैसे देखिए, बाहर का पुत्र आदि देवी, पुत्र आदि जो है अनात्मा माने आत्मा से भिन्न है, तो अनात्मा में आत्मा अध्यास हो रहा है, आत्मा अध्यास माने वो मेरा करके संबंध कर रहा, मेरे पुत्र आदि ऐसे संबंध कर रहा है ना, संबंध तो कर रहा है, और आप जैसा अपने को समझ करके व्यवहार कर रहे हैं ऐसे व्यवहार कर रहा है वहां, ये मेरा है, मैं खा रहा हूं तो उनको भी खाना चाहिए, मैं सो रहा हूं तो उनको भी सोना चाहिए, मेरे को सुख हो रहा है तो उनको भी सुख होना चाहिए, सब बोलता है, और जो पुत्र मित्र आदि है उनको दुख होने पर अपने को दुख भी होता है, उनका दुख हमारी दुख सब ऐसा होता है, किंतु ये सब संबंध अध्यास है, वहां मैं पुत्र हूं ऐसा नहीं बोलता, स्वरूप अध्यास नहीं होता, मैं पुत्र हूं, मैं भारिया हूं, मैं घर हूं ऐसा नहीं होता है, मेरा घर है उनका जो हो रहा है मेरे को है, आत्मा का धर्म तो वहां संबंध कर दिया, किंतु स्वरूप अध्यास नहीं होता। जैसा मैं शरीर हूं बोलता है, इसमें स्वरूप अध्यास भी है धर्माध्यास भी दोनों है, वैसा मैं पुत्र हूं ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं समझता, इसलिए पुत्र से शत्रुता भी हो जाती है, जब तक पुत्र अपनी बात मानते हैं सब कुछ करता है तो रहता है, उसके बाद में पुत्र नहीं मानता है कोपड़ी घूम गया तो छोड़ देता है, फिर शत्रु भी हो जाता है, कोर्ट में भी जाके लड़ाई भी करते हैं, मारपीट भी होता है, इसका मतलब क्या था, वहां आत्माध्यास नहीं था, वो खाली मान लिया था कुछ समय के लिए, क्योंकि हमारे साथ में जो प्रियता है, प्रियता को थोड़ा सा हमने वहां जोड़ दिया था, अब वो वहां प्रियता समाप्त हो गया तो आत्मा समाप्त हो गई, ऐसे बदल दो। ऐसे ही आपको जिन जिन विषयों से प्रियता है ना, प्रियता आत्मा का धर्म है, वो प्रियता आत्मा से वहां लगा देता है, और उस प्रियता को हटा दो फिर आपको उसके बारे में चिंता ही होगी, ये प्रियता हटाने के लिए वैराग्य चाहिए, परम वैराग्य चाहिए, तब प्रियता हटती है, और प्रियता जब हटेगी तो आप अपने अंदर
वैराग्य को संपन्न कर सकते हैं। तो ये जैसा पुत्र मित्र आदि में भी समय से ऐसा होता है, प्रियता बांध देते, वो प्रियता आत्मा का धर्म मान के वहां संबंध कर देता है, खत्म, इतना ही। स्वरूप अध्यास वहां नहीं होता, इसको कहते हैं केवल संबंध अध्यास। ये अर्थाध्यास का विकल्प वैकल्पिक भेद है। अच्छा, उसके बाद संबंध से संबंधी का अध्यास, संबंधे न संबंधी अध्यास। जैसे आत्मनि देहादि अनात्म संबंध स्वरूप अध्यस्य, यहां दोनों का अध्यास हो रहा है। आत्मा में देहादि संबंध का भी अध्यास हो रहा है, आत्मा कौन है देहादि ये मानता है, देहादि के साथ आत्मा का वास्तविक एकता नहीं है, किंतु आत्मा में देहादि को मानता है और देहादि को धर्म को भी मानता है। स्थूलोहम बोलता है, कौन स्थूल है, जातोहम, कौन जन्म लिया, वो शरीर जन्म लिया, वो धर्म को मान लिया। हाँ, अब मरने वाला है, मरिष्यामी, कौन मरिष्यामी, शरीर मरिष्यामी है, शरीर मरता है तो उसी को इसमें जोड़ता है। यहां संबंध और संबंधी दोनों का अध्यास हो रहा है। अर्थाध्यास का आगे का विकल्प है, चौदहवां अध्यास है हमारे नंबर के हिसाब से, केवल धर्माध्यास। ये देखिए, केवल धर्माध्यास भी होता है, केवल धर्म का ही अध्यास करता है, बाकी अध्यास नहीं करता। जैसे आत्मा में स्थूल धर्म श्यामत्वादि ही, इंद्रिय धर्म श्रवण आदि ही, किंतु तेषाम स्वरूपाध्यास न भवति। केवल धर्म का अध्यास होता है, क्या बोला कि इंद्रिय धर्म श्रवण आदि, इंद्रिय का धर्म है सुनना आदि, है ना। तो ये तो हम कहते हैं कि मैं सुनता हूं, मेरे को सुनाई पड़ रहा है, मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा है, ये बोलता है ये धर्म को लेके, किंतु मैं श्रवण हूं ऐसा बोलता है क्या, मैं कान हूं ऐसा किसी ने कहा आज तक, नहीं कहा, स्वरूप धर्म नहीं होता। मैं आंख हूं ऐसा नहीं कहता है, मुझे दिखाई पड़ता है, ये मैं नहीं, आंख नहीं दिखाई पड़ने पर मुझे दिखाई नहीं पड़ता इतना कहता है, किंतु फिर भी ये नहीं कहता है कि मैं आंख हूं ऐसा कहता है क्या, मैं नाक हूं, मैं हाथ हूं पैर हूं, नहीं कहता। इसका मतलब क्या है, वो आंख को अपना तो मान लिया किंतु उसमें स्वरूप का अध्यास नहीं हुआ, मैं वो हूं ऐसा अध्यास नहीं हुआ, किंतु पूरा देह में तो मैं देह हूं अध्यास है, वो अलग अध्यास है। वहां क्या है, संबंधी और संबंध का दोनों का अध्यास किया, यहां केवल धर्म का अध्यास कर रहा है, स्वरूप का अध्यास नहीं कर रहा, ठीक है ना। श्रवण आदि जो इंद्रिय, मतलब क्या होगा, संबंधी का संबंधी है वो, देह का हो गया, देह का संबंधी है वो, उसमें इंद्रिय आदि है, उसमें हम अपना स्वरूप नहीं मानते, अंधा हो गया मानता है, इंद्रिय लगा दिया, किंतु वो जो मैं हूं करके जो अनुभव हो रहा है वो मेरा, मेरी आंख अंधा होने से मैं अंधा हूं मानता है, ये मानता है, वो भी मेरा करके बोलता है। उधर क्या हो रहा है कि जो देह के साथ उसका तादाद में किया, वो देह का जो तादाद में है उसको अपना मान लिया। जहां देह के साथ हमको धर्म और धर्मी दोनों का अध्यास हो रहा है, वहां संबंध और संबंधी का दोनों का अध्यास हो रहा है, वहां अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है, इसलिए अध्यास हो गया, दोनों का मिला दिया, और उसके साथ ये कहे वो, अब जो शरीर को स्थूल मानता है धर्म भी उसी में है, इसी प्रकार जो काना है वो धर्म भी उसमें है, उस प्रकार से उसको मानता है, इस प्रकार के मान करके संबंध कर लेता है। ऐसा स्वरूप अध्यास वहां नहीं मानते, धर्म है ये क्या, धर्माध्यास में, केवल धर्माध्यास में स्वरूपाध्यास नहीं, इंद्रियादि। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि स्थूलत्व धर्म श्यामत्व आदि भी जो होता है, इसमें भी थोड़ा सा एक थोड़ी सी एक बात है। अब श्याम मन काला होता है, मैं काला हूं ये तो कहता है, मैं काला हूं मैं गोरा हूं ये कहता है, ये भी वास्तव में केवल धर्माध्यास है, यह वास्तव में स्वरूपाध्यास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जहां जहां काला दिखाई पड़ता है वहां वहां मैं हूं ऐसा नहीं मानता, श्यामत्व तो यहां मानता है किंतु दूसरे में श्यामत्व दिखाई पड़ रहा है तो वो श्यामत्व को नहीं मानता। यदि श्यामत्व मैं होता तो जहां जहां श्यामत्व है वो सारा मैं होना चाहिए था, है ना। अब स्थूल है, मैं मोटा हूं,
ये मोटापना बोलता है मैं हूं ऐसा बोलता है, किंतु मोटापने के साथ संबंध नहीं है उसका, वो मोटा शरीर है, शरीर के साथ उसका संबंध है, उसको लेके वो बोलता है। इसलिए वो मोटापना और किसी में है तो उसके साथ संबंध नहीं करेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मोटापने से उसका संबंध अध्यास नहीं है, मोटापना जहां है उसके साथ अध्यास है, उसको उधर मान लिया। ये सब केवल धर्माध्यास में आता है, धर्म का ही अध्यास होता है, वो उसका स्वरूप अध्यास नहीं होता। अच्छा, उसके बाद है धर्म के साथ धर्मी अध्यास, पंद्रहवां धर्म के साथ धर्मी अध्यास। ये सब चर्चा में आएंगे, अब अध्यास भाषा में ही बहुत कुछ आएगा ये जितने बता रहे हैं। धर्म के साथ धर्मी अध्यास है, जैसे अंतकर्ण धर्मों को स्वरूप को दोनों का अध्यास करता है, अंधकरण के जितने धर्म है उसको भी अध्यास करता है और अंधकरण स्वरूप को भी अपने अंदर अध्यास करता है, इसीलिए धर्म और धर्मी दोनों का अध्यास हो गया। और फिर है अन्योन्य अध्यास, ये भी अर्थाध्यास का एक विकल्प है, अन्योन्य अध्यास, इतर इधर अध्यास जिसको कहते हैं। अन्योन्य अध्यास में क्या होता है, दोनों धर्मों का आपस में अध्यास होगा, आत्मनि अनात्मा, अनात्मा में आत्मा, जैसे तप्त लोहवत, तपे हुए लोहे के समान। इसमें क्या है, जो तपना जो है गर्म होना वो आग का धर्म है, और लोहा वो जो आकार है पिंड दिखता है वो लोहा है। अब आग को हम लोहे के साथ मिला के बोलते हैं आग का आकार बोलते हैं, गोला आकार जो भी आकार है ऐसा आकार बोलते हैं। और वो जो लोहे का आकार आग ने ले लिया और आग का जो गर्माइश है वो लोहे को दे दिया, इसलिए दोनों में परस्पर धर्म हो गया। लोहे का आकार और पिंडाकार वो इत्यादि आग में लाया और उसको गर्माइश को इधर दे दिया। अब वो आग हमको दूसरी जगह चाहिए तो हम क्या कहते हैं, वो लेके जाओ बोलते हैं, उसका नाम लेके जिस लोग पिंडा का होगा वो लोग लेके जाएंगे तो आग हो जाता है। जैसा कोयला लेके आओ बोलता है, कोयला मतलब आग है, वो आग लेके आने के लिए कहेंगे कोयला लेके आओ, तो कोयला लेके आने का अर्थ कोयला में जो आग है उसको लेके आओ, तो आग कोयला दोनों एक हो जाता है, परस्पर धर्म का अभ्यास हो जाएगा। तो आकार तो आदि इधर से आएगा और गर्माइश आदि उधर से आएगा, अन्योन्य अभ्यास होता है। जैसा आत्मा में अनात्मा अध्यास ये, और अनात्मा में आत्मा अध्यास, ये परस्पर अध्यास पहले कहा, इधर इधर अध्यास जिसको कहते हैं। अन्योन्यस्मिन अन्योन्य आत्मा का दाम अन्योन्य धर्मांचा अध्यक्ष इधर इधर विवेक अत्यंत विविक्त हुए कहा ना पहले, वही है। उसके बाद अन्यतर अध्यास, अन्य धर्म ने दोनों नहीं करेगा, एक तरफ ही करेगा, दोनों में से एक को करता है। जैसे अनात्मनि न आत्मस्वरूप मध्यस्थते किंतु आत्मनि अनात्मस्वरूप मध्यस्थते, अनात्मा में आत्मस्वरूप का स्वरूप अध्यास नहीं होता है किंतु आत्मा में अनात्मा का स्वरूप अध्यास हो गया। जैसे अंधकरण का स्वरूप अध्यास आत्मा में हो गया, अंधकरण के सारे धर्म को अपने में मान करके मैं करता हूं, भोगता हूं, ज्ञाता हूं, विज्ञाता हूं सब बोलता है, तो वो धर्म को इधर मान करके बोल रहा है, स्वरूप उधर ही है और उससे भिन्न नहीं मानता। किंतु अनात्मा जैसे बाहर के विषय का, जैसे पहले हमने कहा पुत्र आदि जो है उसमें आत्मा को नहीं मानता है, आत्मा धर्म को मान रहा है किंतु आत्मा को नहीं मानता। आत्मा धर्म कहा प्रियद आदि है, मैं प्रिय है, अच्छा है इत्यादि है, उसके साथ आत्मा धर्म मिला दिया, किंतु मैं वो पुत्र आदि हूं ऐसा नहीं मानता। तो वहां एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा है, धर्माध्यास हो रहा है स्वरूपाध्यास नहीं हो रहा है, और यहां अंधकरण आदि में आत्मा में लेंगे तो अंधकरण का धर्म स्वरूप दोनों हो रहा है, ऐसा भी होता है अन्यतर अध्यास होने वाला, आत्मा में अनात्मा का स्वरूप अध्यास हो जाना, ये अंधकरण धर्मों को लेना। और प्रातीति का अध्यास ये है आगंतुक का दोषजन्य होता है। प्रातीति का अध्यास एक सामान्य रूप से है कि प्रतीति उत्पन्न होना यह अध्यास का कारण होता है, वो प्रतीति उत्पन्न होने के लिए कुछ दोष वहां कारण होता है, आगंतुक दोष, दोष का हम विभाजन और करेंगे
कि आगंतुक दोष भी होता है, अनागंतुक दोष भी होता है, सादि दोष भी होता है, अनादि दोष भी होता है, ये अलग अलग है। ये आगंतुक दोष वाले क्या होते हैं, अभी कोई दोष आ गया उसके कारण हो गए, जैसे अंधेरा एक आगंतुक दोष है, दूरी आगंतुक दोष है, अब वहां बहुत दूर में है दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा आप पास में जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा, वो दोष मिट जाता है तब दिखाई पड़ता है, और अंधेरा जो है प्रकाश लाने पर हट जाता है। तो आगंतुक दोष कुछ क्षण के लिए होता है या कुछ समय ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन आगंतुक दोष से उत्पन्न होने वाले अध्यास को हटाने के लिए आपको वो आगंतुक दोष हटाना पड़ेगा, ज्ञान से नहीं चलेगा वो, ऐसा ज्ञान का वहां काम नहीं है, आगंतुक दोष हटा दो तो हो जाएगा। ये है प्रति प्रादीति का अध्यास में अंदर है, हाँ तो वो हटा दो तो हो जाएगा, जैसे आगंतुक का दोष जन्य है ना, आगंतुक का दोष जन्य जो अध्यास हो प्रादीति का अध्यास, जैसे सुप्ति का रजत आदि इत्यादि देखना, स्थूण को आप मनुष्य समझना इत्यादि सब प्रादीति का अध्यास है। अच्छा ये हो गया 18 अध्यास, उसके बाद 19वां अध्यास है व्यावहारिक अध्यास, ये भी एक मुख्य अध्यास है, जैसे पहले शोभाधिक निरुपाधिक कहा इस प्रकार से ये व्यावहारिक अध्यास, ये बड़ा पक्का रहता है। व्यावहारिक अध्यास मतलब जितने हमने पढ़ाई लिखाई की अपराध विद्या में जितने आता है, पराच अपराच, हाँ परा और अपरा दो विद्या है, यदा तदक्षर अधिगम्य दे तत्परा, वो परा विद्या है, और बाकी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सब अपरा है। तो जितने आपने पढ़ाई की, अब वो ऋग्वेद आदि की हो या फिर स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो, पीएचडी हो, जित भी हो, वो सारे अपरा में आ गया। ये अपरा में जितने कुछ है वो सब व्यवहारिक अध्यास में आया, और जो आप प्रतिदिन व्यवहार कर रहा है वो भी व्यवहारिक अध्यास में आया, और जितने कर्मकांड पूजा पाठ पुण्य पाप जो भी स्वर्ग आदि लोग सब जो भी है वो भी व्यावहारिक अध्यास में आएगा, आकाश आदि पंचभूत आदि कार्य है ये भी व्यावहारिक अध्यास में आएगा। मतलब अध्यारोप के अंतर्गत जो जो कहा जाए आत्मा को छोड़ के बाकी सब जो आपको सत्य मालूम पड़ रहा है, जिसके आधार पर हम ये शास्त्र व्यवहार भी कर रहे हैं, ये सब व्यावहारिक अध्यास में आता, और उससे छोड़ करके जितने प्रादिभाषिक है इसके बारे में अन्य अध्यासों में विचार किया। ये व्यवहारिक अध्यास बड़ा मजबूत रहता है, क्यों, ये हमारे अध्ययन के आधार पर है ना, हमने हमको जो सिखाया गया बचपन से उसके आधार पर ये रूढ़ हो गया, इसको ऐसा वैसा नहीं हिला सकते, उसको हिलाने के लिए उतना ही मजबूत ज्ञान चाहिए, तब जाके वो हिल सकता है, अन्यथा पूर्व निर्धारण को आप नहीं हिला सकते, क्योंकि वो हिल गया तो आप समझते हैं कि मैं मर गया, मेरा कोई पीछे नहीं, ना कोई आया, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, ऐसा कोई सोच सकता है, मेरे कुछ जो है प्राप्ति नहीं है, ऐसा कोई नहीं सोच सकता, इसीलिए वो पीछे रख करके काम करता है। ये व्यवहार या अध्यास को पकड़ के हम शास्त्र व्यवहार करते हैं, इसीलिए हमको शास्त्र पूरा समझ में नहीं आता, क्यों, हमेशा हम व्यवहार का अध्यास के मानदंड से शास्त्र को नापते हैं, शास्त्र में कुछ सुनाई पड़ा, ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में, कर्म के बारे में, गति के बारे में सब सुनाई पड़ा, हम सोचता है ये कैसे हो सकता है, हमने तो पढ़ाई किया तो इन्होंने ऐसा बोला था, ये आधा इधर से इधर की, ये कैसे आएगा, ये इधर से उधर फैलेगा कैसे है, ये सब होता कैसा, तो आप कौन से मानदंड से ले रहे हैं, वो पहले वाला मानदंड वो व्यावहारिक अध्यास में है, तो व्यावहारिक अध्यास जो अज्ञानकृत है उसी से आप ज्ञान को नापने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं नप सकता है, नहीं लग सकता, इसीलिए वो उलझन में पड़े रहेगा और साधन चलता रहेगा, आप ये उलझन को सुलझाते रहेंगे, तो आप अलग अलग आचार्यों से सुनने जाएंगे, अलग अलग किताब पढ़ेंगे, अलग अलग ढंग से भजन करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये व्यावहारिक अध्यास मजबूत है, उसी के नाम से ही आपको सिद्ध करना है, ऐसा कोई आचार्य होगा आपके व्यावहारिक अध्यास के अनुकूल बोलेगा, वो बोलेगा मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया, जब बोले तो सब समझना कि कहीं ना कहीं इसी को वो पहले वाले ज्ञान के साथ उन्होंने मिला दिया, मिलाने सर अब समझ में आ गया है, सब कुछ ठीक है, क्यों, पहले हमने जो सीखा वही तो बताया, उसको दूसरे ढंग से बताया, ऐसे समझता है,
ये बड़े जादू है, ये किसी को पता नहीं चलता ये कैसे काम करता है, उसके साथ मिलाना पड़ता है। इसीलिए व्यवहार या अध्यास को वेदांत ही एकमात्र ऐसा दर्शन है, इसको पूरा व्यवहार अध्यास मानता है और इसको सारा अध्यारोप मानता है। और किसी दर्शनकार के अंदर या अभी तक के जितने दर्शन दुनिया में हुआ, किसी का अंदर ये हिम्मत नहीं हुआ कि ये घोषित करे कि सब कुछ अध्यारोप के अंतर्गत है। केवल घोषित नहीं करता है, सिद्ध करके दिखाता है। इसीलिए यह व्यवहारिक अध्यास होता है उसके आधार पर। अभी जो शास्त्र श्रवण आप कर रहे हैं, जो भी उसके अंतर्गत है, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, फिर अध्यास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सब व्यवहारिक अध्यास से आप समझ रहा है। इसको हटा के आप देखो, आपका अस्तित्व नहीं मिलेगा, आप घबरा जाएंगे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो व्यवहारिक अध्यास आप समझ लिए कि आकाश आदि घटांत ब्रह्म में कारणत्व मान करके उसमें कार्य रूप से सबको सिद्ध करना। जैसे हम सृष्टि की प्रक्रिया, साइंस की सृष्टि की प्रक्रिया लो ले, वो भी व्यवहारिक है। हमारी सृष्टि प्रक्रिया ले लो, वो भी व्यवहारिक है। सांख्य दर्शन आदि, न्याय दर्शन आदि सब किसी की भी सृष्टि प्रक्रिया ले लो, समझाने के लिए व्यवहारिक है। कर्म प्रक्रिया व्यवहारिक है, साधन प्रक्रिया व्यवहारिक है, गुरु शिष्य संबंध व्यवहारिक है, ये सब व्यवहारिक अध्यास में आ गया। इसके कारण वो सारा व्यवहार ठीक ठाक चल रहा है। उधर इधर उधर कुछ कुछ हिल गया तो हमको दिमाग में हिलता है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जैसे शब्द प्रयोग करना चाहिए वैसे ही शब्द मुझे प्रयोग करना है, मैं कोई अलग शब्द प्रयोग करेंगे तो ये क्या बोलता है, ऐसा समझेंगे। क्यों? वो ये शब्द आपके व्यवहारिक अध्यास के साथ मेल नहीं खाता। आप अपने व्यवहारिक अध्यास को पक्का मान के बैठे हैं तो मैं इसको पुस्तक ही कहूं तभी आप उसको मानेंगे, मैं इसको घड़ कहूं तो ये क्या बोलता है, पुस्तक को दिखा करके घड़ बोलता है, ऐसे समझेंगे। इसका मतलब क्या है, आपने इस वस्तु में पुस्तक शब्द का अध्यास करके उसके बुद्धि आपके अंदर पक्की हो रखी है, इसीलिए यह पुस्तक ही है, घड़ नहीं हो सकता। तो फिर यह ब्रह्म कैसे होगा, ब्रह्म हो सकता है? अब यह पुस्तक ही है, यह पक्की है, इसको ब्रह्म बना सकते हैं आप? ये जब घड़ नहीं बन सकता, ये जब वस्त्र नहीं बन सकता, ये तो ब्रह्म पर कैसे बने? ब्रह्म भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये पुस्तकत्व ज्ञान आप छोड़ना नहीं चाहते, इसको बदलना नहीं चाहते। इसीलिए कल से आप जितने ज्ञान हुआ उसको सब बदल करके बोल के देखिए, विचार करके देखिए, तो पूरा उल्टा हो जाएगा। खोपड़ी जो है बिल्कुल बोलेगा ये भाई कुछ गड़बड़ हो गया, कल से बाढ़ में नहीं जाना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ये सारा उल्टा कर देता, उल्टा किए भी ना कोई रास्ता भी नहीं। यह व्यावहारिक अभ्यास है, ये व्यावहारिक अध्यास इत्यादि करके जो 19 अध्यास अभी बताए हैं, इनमें दो प्रकार है, एक तो सादि है और अनादि है। इनमें कुछ अध्यास सादि होते हैं, जैसा आप जानते हैं सुक्ति में रजत देखना, सर्प में सर्प को देखना इत्यादि जो है सब सादि अध्यास है, और कुछ जो है अनादि अध्यास होते हैं, जैसे आत्मा में अनात्मा को देखा, शरीर आदि के साथ, अंधकरण आदि के साथ जो जो अध्यास है ये सब अनादि अध्यास है। तो पूरे अध्यास का दो वर्ग होगा, सादि और अनादि। सादि वाले क्या है, आगंतुक दोष से होगा तो आगंतुक दोष निवारण से वो हट जाएंगे, किंतु अनादि अध्यास नहीं हटेगा। अनादि अध्यास को हटाने के लिए विशेष प्रयत्न चाहिए। तो अनादि अध्यास, सादि अध्यास दो हो गया। अच्छा, उसके बाद में सादी अध्यास में आदि से युक्त दिखाई पड़ता है, शुरू और अंत दिखाई पड़ता है, जैसे रज्जु सर्प आदि, ये सब सादी है। अनादि अध्यास है ब्रह्म में जगत का अध्यास, आत्मा में अनात्मा का अध्यास, ये सब अनादि अध्यास। जितने भी गिनाए हैं ना, इनमें आप देख लेना, जिसको जो जुड़ेगा उसमें सादी और अनादि देख लेना। जहां सादी दिखाई पड़े वो सादी है, अर्थाध्यास दोनों दोनों आता है, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास में भी दोनों दोनों आता है। अच्छा, उसके बाद ये अनादि अध्यास भी दो प्रकार का है, सादी अध्यास अनादि में, अनादि अध्यास फिर दो प्रकार का है कि स्वरूप अध्यास स्वरूपेण अनादि और प्रवाह रूपेण अनादि, स्वरूपेण अनादि और प्रवाह रूपेण अनादि। ये जैसे अजन्य आत्मा में स्वरूपेण अनादित्व है,
जो जो वस्तु में आप अध्यास कर रहे हैं उसका अधिष्ठान यदि अजन्य है, माने अजन्मा है, आत्मा अजन्मा है, तो आत्मा में जो अनात्मा का अध्यास हुआ वो स्वरूप अध्यास, स्वरूप अनादि, स्वरूप का अनादि। और बाकी जितने भी हो जो जन्य वस्तु है, जैसे जगत आदि में जगत आदि जन्य है, जगत जगत का अध्यास ब्रह्म में हो गया, इसका संबंध है, तो ये क्या है, ये अनादि तो है किंतु प्रवाह रूपेण अनादि, स्वरूपेण अनादि नहीं है, प्रवाह रूपेण अनादि। इसमें अंतर क्या है कि प्रवाह रूप अनादि में आपको कई सृष्टि होती हुई पता चलता है, कि सृष्टि की कोई प्रक्रिया आपको मालूम पड़ती है, कि आज जैसा अभी बिग बैंग थियरी बोल रहे हैं कि वहां से लेके वो धीरे 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 बढ़ता गया, वो फटता गया, फिर क्या क्या होता गया, विकास होता गया, तो एक प्रक्रिया दिखाई पड़ रही ना, तो ये प्रवाह रूपेण अनादि को दिखाता है। किंतु आत्मा में ऐसा कुछ भी आप दिखा नहीं सकते हैं कि कब से कोई अंदर हुआ नहीं दिखाई पड़ता, कब से आपने अपने को अहंकार मान लिया पता नहीं है, ये कोई नहीं बोल सकता, कब से आप अपने को मनुष्य मान करके जीवात्मा मान रहे हैं ये मालूम नहीं है, नहीं मालूम होने से ये अनादि स्वरूप है ना। और नैसर्गिक ओयम लोभ व्यवहार का वो जन्म से ही लेके आता, तो कहां से कब किस निमित्त से शुरू हुआ नहीं बोल सकता, जगत के लिए कुछ प्रक्रिया बोल भी सकते हैं, ढूंढ सकता है ऐसा, इसलिए प्रवाह रूपेण स्वरूप रूपेण दो अनादि हो गया। ये जितने भी अभी तक 19 अध्यास जितने भी बोले ना, अभी प्रकार जो भी बोले हैं, ये सारे अज्ञानकृत अध्यास है, ये तो अध्यास अज्ञानकृत ही है, अज्ञानकृत अध्यास, किंतु एक ऐसा अध्यास है अभी 20वां अध्यास जिसको आहार्य अध्यास कहते हैं, ये आहार्य अध्यास अज्ञानकृत नहीं होता, शास्त्र विधि के द्वारा अध्यारोपित किया गया एक विशेष भाव को ये आहार्य अध्यास करते, जैसे भगवान पत्थर के मूर्ति को भगवान मानना, एक लोहे का मूर्ति बना के रखे उसको भगवान मानता है, पत्थर को ला करके पूजा करता है, उसको शिवजी मान के पूजा करता है, ये भी अध्यास है, किंतु ये आहार्य अध्यास है, शास्त्र के द्वारा या गुरु परंपरा के द्वारा शिष्टाचार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और आप जानता है कि ये पत्थर को लेकर के हमने रखा और भगवान मान के पूजा कर, सालग्राम में हरि, ये आहार्य अध्यास, इसलिए ये अज्ञानकृत नहीं है, क्योंकि पहले जानता है, इसलिए अज्ञान को हटाने का कोई मतलब नहीं, आप अध्यास करके ध्यान भजन करेंगे तो उससे आपको कुछ फल प्राप्त होगा, शास्त्र कहता है जो जो फल है वो प्राप्त होगा, इसलिए कोई भी पत्थर को पूजा नहीं करता, लोग बोलते हैं लोग पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर को कोई पूजा ही नहीं करता है, जो भी पूजा कर रहा है वो भगवान को पूजा करता है, क्योंकि पत्थर को भगवान मान के पूजा करता है, और जो अपने बुद्धि से पत्थर को भगवान नहीं मान सकता वो पूजा नहीं कर सकता। ये अध्यारोप है, ये अध्यारोप के अंदर के शास्त्रकृत अध्यारोप, शिष्टाचार से अध्यारोप, जैसे परंपरा से अध्यारोप, किंतु ये अज्ञानकृत नहीं है, ये अंदर है, इसीलिए भाष्यकार ने पहले वाक्य में मिथ्या इति भवितुम युक्तम ये कहा था, मैं उस समय वहां इसको बताया था कि अन्य अध्यास भी होता है जिसका संबंध करके होता है, किंतु वो मिथ्या नहीं होता, ये मिथ्या इति भवितुम युक्त, मिथ्या बनना चाहिए, अज्ञानकृत होता है, ये दोनों में अंतर है, इसीलिए लोग कहते हैं वेदांत सीखने के बाद में भगवान कहीं भी कहीं मंदिर में भगवान दिखाई नहीं पड़ता, उनको मंदिर को नमस्कार नहीं करता, किसी से प्रणाम नहीं करता, और बोलता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, अब जब सर्वम खलविदम ब्रह्म जब आपको मालूम पड़ गया तो मंदिर में नहीं है भगवान, मंदिर में नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि मंदिर में दिखाई पड़ा तो बाकी जो वेदांती नहीं है, भक्त लोग है, अन्य लोग है, जो उनके दृष्टि से जो नीचे है, वो लोग पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गुरुपाद का पूजा नहीं करेंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत बोला, ये अशास्त्रीय है, और ऐसे जो कहते हैं उनको बिल्कुल वेदांत के बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि वेदांत तो सीधा उल्टा बोलता है, भगवान विभूति योग में एकादश अध्याय में क्या बोला कि सारे मेरा रूप है, आप किसी को भी पकड़ के पूजा करो, पिपल का पेड़ का पूजा करो, नदी को पूजा करो, पहाड़ को पूजा करो, हाँ फिर मछली को पूजा करो, घोड़े को पूजा करो, किसको नहीं बोला, सबको बोल दिया, तो आप जो चाहे तो पूजा कर सकते हैं, हाँ यद्यपि विभूति मत सत्व श्रीमद उर्जितम ये भी बताया, इसीलिए वो दृष्टि में भेद है, ये इस प्रकार की बहुत सारी उपासनाएं उपनिषद में है, ये
आहार या अध्यास के अंतर्गत मान के उसमें फल होता है और फल अच्छा होता है, जो आप संकल्प करते हैं वो फल होता है। और केवल शालग्राम की पूजा करते करते आप मोक्ष तक पा सकते हैं, क्योंकि वो शास्त्रीय विधि से जा रहा है, अज्ञानकृत नहीं है, वो शास्त्र जो मार्ग बता रहे उसी के द्वारा जा रहा है। इसलिए भगवान को जाकर के वहां मंदिर में प्रणाम करके प्रार्थना करने पर भगवान से फल मिलता है, क्यों वो शास्त्रकृत है, वो प्रार्थना करने से उनका दुख दूर हो जाता है, फल भी प्राप्त होता है। वहां कोई भी कल्पना नहीं है, काल्पनिक है ऐसा नहीं, अपने मन के भाव से है, और जो भी हमें प्राप्त होता है मन के भाव से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम 20 प्रकार के अध्यास के बारे में विचार किया या अनेक ग्रंथों से संग्रहित किया, आपको सुनाया। Shanti, shanti, shanti.